देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है। राजधानी रांची में आगामी 25 मई को मतदान होने हैं। वहीं रांची लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ चुनावी मैदान में हैं। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो और संजय सेठ के लिए जन समर्थन मांगा। रोड शो का रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ राय ने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। अभी अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से राजधानी रांची के चुटिया से अमित शाह जी में जी का आगमन हुआ, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो पंडित है ये बनारस के तर पर गंगा आरती करते हुए भी नजर आ रहे हैं और डमरू आरती कर रहे हैं। महावीर मंडल के सदस्य मौजूद हैं हमारे साथ। भैया आप बताइएगा, अमित शाह जी का आगमन हुआ है राजधानी रांची के चुटिया में, आप लोगों ने अभिनंदन किया है, कैसा महसूस हो रहा है गृह मंत्री का आगमन श्रीराम नगरी चुटिया में हुआ? जिनके कार्यकाल में न कि एक पुनर्जागरण हर एक देशवासियों का हुआ, हर एक हिंदू का हुआ है, और आज वो आए और पूरे रांचीवासियों ने उन्हें सलाखों पे रखा और उनका भव्य स्वागत किया। इसी क्रम में जिस तरह आपने देखा कि गंगा आरती और शंखनाद के साथ महावीर मंडल महानगर द्वारा और गुलाब फूलों की वर्षा देकर आज पूरे पदाधिकारियों के द्वारा और लगभग मुझे लगता है कि हजारों रांची की जो जनता है उनके द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, और जिस तरह देश के प्रति वो समर्पित हैं और देश हित के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आने वाले समय में जो भी परिणाम आने वाले हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक और देश हित में आ रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो होता है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो, क्या लग रहा है अब रांची सांसद रहे समय से 5 लाख पार इस बार रांची से विजिट करने वाले? जिस तरह अयोध्या में भगवान राम और लक्ष्मण ने जाकर लंका रूपी रावण का वध किया था, उसी प्रकार पहले नरेंद्र मोदी भगवान राम के रूप में और अभी आज लक्ष्मण जी अमित शाह जी हमारे रांची में आगमन हुआ है। और पिछले बार हम लोगों ने 2.5 लाख वोटों से जीता था, इस बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे, और हमारे देश के हर नागरिक में ये एक आशा का किरण है कि पहले हमारे सैनिकों के सर से फुटबॉल खेला जाता था और अब हम एयर स्ट्राइक करके उनके जो ठिकाने हैं उनको निश्चय नाबूद कर रहे हैं। आने वाले समय में हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी लेंगे और अपना जो भारत में सीमा खोया है उसे वापस लेंगे अमित शाह जी के नेतृत्व में, इसी आशा के साथ। अच्छे तरीके से अभिनंदन किया गया है रांची वासियों के द्वारा अपने गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी का आगमन जीत का परिणाम दिख रहा है। ये जैसे चुटिया नगर में घुसे, शुरू से लास्ट तक अनेकों सामाजिक संगठन के द्वारा स्टॉल लगाकर और उनका भव्य स्वागत फूल और माला से किया गया। हमारा महावीर मंडल रांची महानगर के द्वारा यहाँ भव्य शिविर लगाकर उनका फूल और ये से स्वागत किया गया। इस बार रांची से नहीं, हमारा 14 का 14 लोकसभा सीट, 13 लोकसभा सीट से फूल और 1 लोकसभा सीट से फल हम लोग लेके जाएंगे। कि आपने देखा किस प्रकार से महावीर मंडल के सदस्यों का कहना है कि अब की बार 400 पार और राजधानी रांची में अमित शाह जी का आगमन हुआ, इससे लोग बेहद खुश हैं। रफ्तार मीडिया से हमारे सौरभ राय के साथ।